नेशन न्यूज के खबर का असर हुआ है। हमने महिला की पिटाई और बुरी तरह से जमीन पर घसीटने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मोतिहारी केसरिया के राजपुर आजाद नगर गांव में कुछ युवकों ने सरपंच के सामने एक महिला की बेरहमी से पिटाई की थी, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस खबर को हमने कल भी दिखाया था कैसे बेरहमी से एक महिला की पिटाई की जा रही है। खबर में यह भी सामने आ रहा है कि सरपंच के सामने इस महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी। हमारे खबर दिखाने के बाद, नेशन न्यूज के खबर दिखाने के बाद, इस पे एसपी ने संज्ञान लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया है। एक वीडियो मुझे भी प्राप्त हुआ है और आप मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली है कि एक घटना सामने आई है जिसमें एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है। उसमें FIR करने का अविलंब निर्देश दिया गया और जो भी हमारे साथ हमारे तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, महिला की किस तरीके से पिटाई हो रही है। ये महिला मोतिहारी की रहने वाली है। क्या कुछ है इसमें अभी तक हमें पता नहीं चला कि आखिर क्यों इनकी इस बेरहमी से पिटाई की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धनंजय, आप ये बताएं कि हमारे खबर दिखाने के बाद क्या कुछ अपडेट हुआ है इस मामले में, क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है अब तक? गिरफ्तारी तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन नेशन न्यूज के खबर का ये असर है कि पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा के द्वारा महिला की जो पिटाई हुई है और वीडियो जो वायरल हुआ है, उस मामले में उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए केसरिया थानाध्यक्ष विनय कुमार को प्राथमिकी दर्ज कर और गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो हमारे खबर दिखाने का असर हुआ है और आरोपियों को शायद जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।